महिला आरक्षण बिल को लेकर सुगबुगाहट तेज है और ऐसे मौके पर जो महिला सांसद है देश की उन्हीं को एबीपी न्यूज संवाददाताओं के साथ चाय पर चर्चा करते हुए आप देख रहे हैं। इस बीच एबीपी न्यूज संवाददाता रविकांत ने जीएमएम से सांसद है महुआ माझी उनसे चाय पर चर्चा की है, जरा सुनिए ये खास बातचीत। हम चाय पर चर्चा कर रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद महुआ माझी के साथ, जो कि खुद देश की एक बड़ी लेखक भी हैं। यहाँ पर हमारे साथ महुआ माझी हैं। मैडम बहुत बहुत स्वागत हो आपका। आज महिला आरक्षण बिल आने की संभावना है, किस तरीके से और कितना महत्वपूर्ण होगा आप लोगों के लिए ये बिल? देखिए, हम लोग तो इसके लिए हमेशा मांग करते ही रहे हैं। मैं खुद भी पार्लियामेंट में कई बार इस पर आवाज उठा चुकी हूँ और ये हमारे लिए एक स्वर्णिम दिन होगा। और कई पिछले दशकों से ये इस पर प्रयास चल ही रहा था। और इतना डिले क्यों हुआ? क्योंकि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर नेपाल वगैरह में हमसे ज़्यादा संख्या है सांसदों की। हमारे यहाँ राज्यसभा में 10% और लोकसभा में 14% महिलाएं हैं। अभी दो दिन पहले एक मीटिंग हो रही थी, वहाँ 60 लोगों में से सिर्फ 4 महिलाएँ थी। इसका जिक्र डेरेक जी ने किया तृणमूल से भी। तो ये हम लोग की मांग थी और ये होगा तो ये बहुत ही स्वागत योग्य है, हम लोग स्वागत करेंगे। लेकिन मैं एक ट्राइबल स्टेट से बिलोंग करती हूँ, हमारे यहाँ आदिवासी बहुल क्षेत्र है। तो आदिवासी मैंने एसटी एससी ओबीसी के लिए भी हम लोग चाहेंगे कि ऐसी महिलाएं जो अपर क्लास की महिलाएं, मतलब इस रिजर्वेशन का खाली फ़ायदा ना ले ले, जो एसटी एससी ओबीसी महिलाएं हैं उनको भी इसमें फ़ायदा हो। इसके लिए हम लोग चाहेंगे कि उसके लिए सोचा जाए, कुछ आरक्षण उनके लिए भी रखा जाए उसके अंदर। क्योंकि अभी पिछले आप आरक्षण के अंदर आरक्षण की बात, हाँ, ये होने से क्या होगा कि जैसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की वाइफ्स या उनकी बेटियाँ या फिर ब्यूरोक्रेट्स जो पावरफुल होते हैं उनकी वाइफ्स, हाँ, और फिर इसके अलावा ओबीसी भाई आप देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो राजनेता के घर की लड़कियां या पत्नियां, ये लोग भी हावी हो जाएंगी उन महिलाओं पर जो कि टैलेंटेड तो है लेकिन उनके पास पैसा और पावर नहीं है। तो उनके साथ न्याय हो इसके लिए उनके लिए भी सोचा जाना चाहिए। अभी मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी, पिछली सरकार में, भाजपा सरकार में, महिलाओं के लिए 1 रुपये में रजिस्ट्री फ़ी का प्रावधान हमारे यहाँ किया गया था कि अगर महिलाएं ज़मीन खरीदेंगी तो उनको सिर्फ 1 रुपये में रजिस्ट्री किया जाएगा, जबकि लाखों रुपए लगते हैं उसमें। तो ये अच्छा था, अच्छी पहल थी, लेकिन हुआ ये कि जब वो हुआ तो आप आंकड़े निकाल कर देख लीजिए, मैक्सिमम जो भ्रष्ट अधिकारी हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और बड़े लोग, उन्होंने अपनी पत्नियों और बेटियों के नाम से ज़मीन ले ली। इससे सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ और जिनके लिए ये किया गया था प्रावधान उनको लाभ नहीं मिला क्योंकि उनके पास उतने पैसे ही नहीं थे कि इतने ज़मीन खरीदेंगे। तो मैं चाहूँगी कि अगर इस तरह का कोई प्रावधान आता है, अगर रिजर्वेशन होता है, तो सबके लिए सोचना ज़रूरी है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।